जय बजरंग बली रक्षा करना। हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत वेलकम है आप सभी का मनुष्य व्लॉग्स पर। यह हरिद्वार में वैष्णो देवी का मंदिर है, बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, बहुत ही सुंदर मंदिर है। मुझे बहुत बड़ा सौभाग्य मिला है कि मैं खुद भी ये मंदिर देख पाई हूँ और अब आप सबके साथ में शेयर कर रही हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, बहुत सुंदर मंदिर है। ये हरिद्वार में भारत माता के मंदिर के पास बहुत ही सुंदर मंदिर है, आओ इसके दर्शन करें। चलिए हमारे साथ साथ चलिए, इसे उतार लेता हूँ ऐसे करके। जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। इसकी थीम बिल्कुल गुफा वाली दे रखी है साइडों में। जम्मू तो जाना बस भूल ही जाओ, जम्मू माता बुलाएंगे। थीम है इसकी बढ़िया। इस मंदिर का एक एक कोना इतना सुंदर है ना, बस क्या तारीफ करूं मैं। ताजमहल की सुंदरता भी फीकी है इसके सामने। मैंने ताजमहल भी देखा है, वैसे तो एक से बढ़ के एक मंदिर है हरिद्वार में। जब कभी आपको जाने का मौका मिले तो इस मंदिर में भी जरूर जाइएगा। और मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं आप सबके साथ में शेयर कर रही हूँ। कॉमेंट कर दीजिए फ्रेंड्स, जय माता दी। डर क्यों रही हो, आगे बहुत गुफा है इसमें। कोई नहीं तो कोई खा थोड़ी जाएगा। मेरी माता ने बुलाया है, मुझको जाना पड़ेगा गुफा जाने का मार्ग। ये गुफा कैसी है? तो यही था क्या? चलो ये पत्थर, यही वाला रास्ता है ना भैया? ट्रेन से बोलो जय माता। अरे भैया शाम को भी कुछ ऐसे ही चलेंगे हम, इन्हीं रस्तों पर। पानी चल रहा है, हम इस मूर्त की चारों मूर्ति काटते हुए चल तो रहे हैं। कितनी ऊंचाई पे आ गए पता ही नहीं चला कि कब मैं इतना ऊपर आ गया। हाँ तो जाओ, वाह ओ भाई जल रहे हैं पैर, तो थोड़ी देर यहाँ ना रुक के आगे ही चला जाए। बसा हुआ है हरिद्वार पूरा। अंधेरा है क्या ज्यादा ही? अंधेरा ना, पूरा पानी है पैरों में। ऐसी क्या गुफा है बे, हमारा तो यूट्यूब चैनल वायरल होना चाहिए। ये शिवलिंग है बहुत ऊंचा, 8 फीट का शिवलिंग। शीशे वाला मंदिर पावन धाम, शीशे शीशे लगे बड़े हैं सारे में। अपने आप को फोटो खींचना मना है मगर वीडियो बनाना मना नहीं है देवी जी का। चलो मम्मी ऐसे कह रही हैं जैसे किसी जंगलों में, अंदर भी शिवलिंग है काफी सारे, उधर बहुत ही ज्यादा शिवलिंग है। इनमें भूल भुलैया में चलना पड़ेगा। जय मेरे YouTube चैनल पर 5 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाए। जय जय ये तो बिल्कुल ऐसा हो रहा है, धैड़ मोड़ यहाँ से गए थे कहाँ कहाँ घूम के वापस आए, धैड़ मोड़ चल रहे हैं। ये बनाने वाला भी उलझ ही रहा होगा एक टाइम पे। तो ब्रह्मचारिणी माँ की जय, सबसे टॉप पे
पूरा पहाड़ बनाया हुआ है, पूरा रॉक थीम, हाथी मत्था की चढ़ाई, ये मगरमच्छ बना हुआ है सबसे ऊपर आ गए, और इसके मुंह में भी कूड़ा नहीं सुधरेंगे। तो सिर भी लग रहा है ऊपर मेरा, तो मेरे बस ऊंचाई पे आ गए, देख मेरा भी लग रहा है ये खजाब बट जस्ट अब कहीं कहीं लग रहा है, कहीं बिल्कुल हल्का जम्मू वाली फीलिंग है, जैसे जम्मू वाले मंदिर में होती है। प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, गजब बिल्कुल मजा आ रहे हैं, लाइक कर दो, बोलो जय माता दी, ऐसे ऐसे दर्शन करा रहे हैं, एक लाइक मारो, जाते बोलो जय माता दी। मंदिर बिल्कुल खाली है, हम कितने अच्छे मौके पे आए हैं। ये गुफा बाहर से देखी, गुफा बिल्कुल छोटी सी, बिल्कुल छोटी, वही ना कूपन तो कौन सा नाम लिख लिया, ये प्रसाद लेने में चढ़ाने के लिए, इधर भी थोड़ी मूर्तियां वगैरह रखी हुई है, और गुफा का बाहर गुफा के लिए तो आया है यहाँ, गुफा ही तो है, अरे ये रही है हमारे पीछे गुफा, इसी गुफा में जाना है, अभी इतनी सी है, मैं तो 6 फीट का आदमी हूँ, मैं कैसे जाऊँगा 6 फीट का। जय बजरंग बली रक्षा करना, देखिए इसमें पानी जानबूझ के छोड़ा जा रहा है, लाइटिंग सही है, प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, आते बोलो जय माता दी, आवाज नहीं आई, आएगी भी नहीं, अरे जय माता दी, जय माता दी, ऐसी लग रहा है, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, बिल्कुल इतनी दूर है, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, इतने बोलो दुर्गे मैया की जय, शेरावाली मैया की जय, आगे बढ़ो, चलो है ना बिल्कुल वही फीलिंग, अरे कहां अंधेरा जैसा मैं सोच के आया था, अंधेरा ना है, ऐसी ऐसी काली काली गुफाओं में गए, ये दिखा पिछली दिखाई वाली गुफा दी, ये एग्जिट हो चुका है पूरा मंदिर का, बाहर आ चुके हैं, बस थोड़ा सा उतार चढ़ाव में हल्का हल्का दिखता रहेगा, डायरेक्ट नीचे चलते हैं, आ चुके हैं एग्जिट। यह गोल्डन पत्तियां जो लगी हुई है, पत्थर जो लगा हुआ है ना, इससे और भी ज्यादा सुंदरता भव्यता हो गई है बिल्कुल मंदिर में, और अगर मैं इस वीडियो को और छोटा कर देती, और भी ज्यादा छोटा कर दी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे पाप लगेगा कि मैंने आधा अधूरा आपके साथ में शेयर किया है, आधा अधूरा शेयर करना अच्छा नहीं होता है। कोशिश की है कि पूरे के पूरे मंदिर आपको दिख गया होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा, आपने जय माता दी भी जरूर लिखा होगा, और यह गुजरात से कोई है, कोई महिला है गुजरात की, उनकी याद में शायद बनाया गया या उन्होंने ही बनवाया है ये जो आप मूर्ति सामने देख रहे हैं, ये उन्हीं की लगी हुई है,
इन्हीं की याद में यहाँ पर ये बना हुआ है या इन्होंने ही बनवाया है ये मुझे सही पता नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी बात है वासु जी अगर आप देख रहे हैं तो। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि गुजरात की तरफ से आपके द्वारा दिया, आपके आप लोगों के द्वारा दिया हुआ एक गिफ्ट है ये हरिद्वार के लिए कि इतना सुंदर मंदिर के दर्शन सभी कर पाते हैं। जो लोग नहीं जा पाते हैं वहाँ पर जम्मू वाले मंदिर पर नहीं जा पाते हैं तो वो यहीं पर आएंगे। मनचंगा तो कटौती में गंगा कहते हैं ना ऐसा, तो भाई हमने यहीं के दर्शन कर लिए हैं। वो माता हमें कब बुलाती हैं वो देखने वाली बात है, वो आपके साथ में कब शेयर किया जाएगा वो आने वाली बात। मंदिर से बाहर निकले नहीं प्रसाद पहले बट रहे हैं, प्रसाद खा लो माता रानी के। चलो फिर धूप में आ गए वापिस। गंगा जी नहाने के बाद मंदिर घूमने के बाद लग गई है भूख, तो खा रहे हैं गोलगप्पे। ओम चाट भंडार है ये, ओम चाट भंडार वहाँ पर खाई जा रही है चाट गोलगप्पे। अब अगला मंदिर देखने से पहले थोड़ी सी पेट पूजा हो जाए। गोलगप्पे बहुत अच्छे लगते हैं, इसमें ना खट्टा स्वाद आ रहा ना मीठा स्वाद आ रहा, होंगे इसमें वो 150 वाला है, वो 150 वाला है, ये 120 वाला है। ये तो मनु के जैसी है डॉल तो। फ्रेंड्स यह वीडियो आपको कैसा लगा है वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। भारत माता का मंदिर देखना चाहते हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगली वीडियो पर देखते हैं हम अपने भारत माता का मंदिर। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद फ्रेंड्स। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा वीडियो।